अस्सलाम वालेकुम, जहांस किचन में आप सभी का वेलकम है। आज जहांस किचन में बनने वाली है बॉइल्ड चिकन। जब कभी मसालेदार स्पाइसी चिकन की सब्ज़ी खाने का मन ना हो तो आप ऐसे भी चिकन को बनाकर खा सकते हो। ये बहुत ही झटपट से बन जाएगी और सभी को ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम चिकन, जो कि ब्रॉयलर चिकन है। इसे अच्छे से धोकर मैंने छन्नी में रख दिया था ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। अब लेंगे एक कढ़ाई, उसमें मैंने डाला है एक पतली सी स्लाइस की हुई प्याज मीडियम साइज़ की, और स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालें। मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाला है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटे चम्मच धनिया पाउडर, बहुत ही कम यहाँ पर डाला है मैंने, क्योंकि ये 750 ग्राम से, इसलिए आधा छोटी चम्मच लिया। अगर आपका ज़्यादा हो आप यहाँ पर अपना कम ज़्यादा कर सकते हो। ये है आधा छोटे चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप लाल मिर्च पाउडर की जगह काली मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हो। दरदरा सा कूट कर डालें या फिर बारीक पाउडर जो रेडीमेड मिलता है आजकल, वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अब इसे अच्छे से करते हैं मिक्स, फ्लेम को करते हैं हाई पर और इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि सारे मसाले जो है वो अच्छे से इसमें मिल जाए। हमें इसे जब तक के भूनना है इसी तरह बिना तेल के, जब तक इसमें इसका जो चिकन का पानी होता है ना वो दिखने ना लगे। हम इस रेसिपी में, पूरी रेसिपी में ऑयल का एक बूंद भी नहीं यूज़ करने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल भी हमें इसमें तेल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इसे ऐसे ही अच्छे से मिक्स करते जाए। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ऐसे ही 2 मिनट तक खुला ही रहने दे, और जब तक के इसका पानी साइड से आपको दिखने नहीं लगे तब तक इसे ऐसे ही रहने दे। तो ये देखिए पानी इसके छूटने लगा है, ये देखे दिखा है ना बीच में। हाँ, बस इसे और अच्छे से एक बार घुमा ले, मिक्स कर ले चम्मच से। यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ पानी, तो मैंने यहाँ पर पूरा टोटल 1.5 ग्लास पानी यूज़ किया है, क्योंकि हमें चिकन को जब तक पकाना है तब तक ये अच्छे से सॉफ्ट सॉफ्ट ना हो जाए, तो इसलिए। और चिकन भी ज़्यादा है 750 ग्राम से, तो इसलिए मैंने पानी इसमें ज़्यादा डाला है। अगर आपका चिकन कम हो तो आप कम पानी यूज़ करें और इसे हाई फ्लेम पर ही अच्छे से पकने दें। बीच बीच में चम्मच ज़रूर चलाते रहें। प्लेट लगा कर अभी इसे हम पकने देते हैं। तो ये देखिए, ये प्लेट मैं निकाल के देख रही हूँ 3 मिनट बाद, तो ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। इसे फिर से मैं ढककर इसी तरह से पकने देती हूँ। तो ये देखिए, मैंने और एक बार इसकी प्लेट हटाकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी भी कम दिख रहा है अभी, ये बहुत ही जल्द अभी पक जाएगा। बिल्कुल इस रेसिपी को पकने में टाइम नहीं लगेगा, कम से कम 10 से 12 मिनट के अंदर ये पककर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए, पानी अब बिल्कुल थोड़ा सा ही रह गया है। यहाँ पर मैंने फ्लेम को थोड़ा सा लो पे कर दिया था, मीडियम पे, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये चिकन पका है या नहीं। एक पीस को हम तोड़ कर देखते हैं। तो ये देखिए, ये चिकन अच्छे से पक चुका है। अब इसे यहाँ पर मैं हाई फ्लेम करके फिर से पकाऊंगी। आप चाहो तो लो फ्लेम पे पकाएं ताकि और भी ये अच्छे से सॉफ्ट हो। हमें इसका पूरा पानी सुखाना है, पूरा एंड तक। लेकिन अब लगातार यहाँ पर हमें चम्मच चलाते रहना है। मैंने यहाँ पर फ्लेम हाई कर दिया है, ये देखिए, और यहाँ पर लगातार चम्मच चलाते रहें ताकि जो पानी है वो सूख जाए पर नीचे से ये जले ना। ये देखिए, इसका पूरा पानी ये सूख चुका है, बस थोड़ा सा बाकी है, कुछ सेकंड लगेंगे इसे सूखने। आपको याद दिला दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस ज़रूर कर ले।
तो ये देखिए हमारा चिकन पक के बिल्कुल तैयार है। ये अभी भी हाई फ्लेम पर ही है क्योंकि थोड़ा सा हल्का सा उसमें रह चुका था मॉइस्ट, तो उसे भी मुझे पूरी तरह से सुखाना है। तो अब यहाँ पर मैं डालती हूँ थोड़ा सा हरा धनिया। ये देखिए बहुत ही टेस्टी लगेगा, प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए ये चिकन हमारा बिल्कुल तैयार है, वो भी बिना तेल का, है ना। तो चलिए अब यहाँ पर मैं कर दूँगी गैस की फ्लेम को ऑफ। अब इसका आ गया है सर्विंग टाइम। तो ये देखिए हमें पूरी तरह से, आप लोग देख सकते हो कि कढ़ाई की हालत क्या हो गई है। तो बस पूरा इसी तरह से हमें इसका पानी जो है सुखाना है। और रही बात कढ़ाई की, तो उसमें आप पानी डालकर 10-15 मिनट रख देंगे तो वो आराम से निकल जाएगा। तो चलिए, जो लोग जिम वगैरह करते हैं उनके लिए ये बहुत ही रेसिपी काम की है। तो मेरी आपको ये रेसिपी चिकन की कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें, एंजॉय करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।